गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी बाय फिश। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। आज हम फिश नामक वैज्ञानिक ने 1935 में शैवालों के बारे में वर्गीकरण किया था। इन्होंने अपनी अपना पब्लिकेशन स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, उसमें 1935 में एल्गी को क्लासिफाई किया था। इन्होंने एल्गी को उनके नेचुरल जो कैरेक्टर हैं उनके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया, जैसे उनके पिगमेंट्स, नेचर ऑफ रिजर्व फूड, नेचर ऑफ सीलिया। अकॉर्डिंग टू दीज मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस दे आर क्लासिफाइड बाय मेनी पीपल। फिश क्लासिफाइड द वूल ऑफ द एल्गी इंटू 11 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पिगमेंट्स, नेचर ऑफ रिजर्व फूड, मटेरियल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उन्होंने एल्गी को 11 क्लासेस में डिवाइड किया, जिनमें क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलीरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनेडिनी, यूग्लिनी, फ्योफाइसी, रोडोफाइसी एंड मिग्जोफाइसी। मिग्जोफाइसी को साइनोफाइसी भी कहा जाता है। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया गया है। उन्होंने ये सब इसका क्लासिफिकेशन उनका पब्लिकेशन द स्ट्रक्चर ऑफ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में दिया। फर्स्ट जो एल्गी है क्लास है वो क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी। इसको ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, इसमें आपके सिलेबस में वोल्वॉक्स जो छः नंबर पे जो डायग्राम दिख रहा है वो वोल्वॉक्स का है। वोल्वॉक्स आपके सिलेबस में है। पहले नंबर पे है वो डायग्राम है डेस्मो टेट्रा। दूसरा है स्टिग्यो क्लोनियम, डेस्मो डेस्मस। और चौथे नंबर पर है क्लेमाइडोमोनास। और पांचवें नंबर पर है पेडियस्ट्रम, छठे नंबर पर वोल्वॉक्स। ये जो एल्गी है ग्रीन एल्गी वो मोस्टली फ्रेश वाटर में पाई जाती है, और कुछ जो एल्गी है वो मेराइन वाटर में भी पाई जाती है। इनमें पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी पाए जाते हैं, और कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं कुछ में। रिजर्व फूड इसमें स्टार्च होता है। यह सभी एक कोशिकीय मोटाइल यानी जिनमें फ्लेजिला पाए जाते हैं, मोटाइल टू हेट्रोट्राइकस फिलामेंट्स। सेल वॉल इनके अंदर सेलुलोज की बनी होती। पायरेनोइड्स आर कॉमनली सराउंडेड बाय स्टार्च सीथ। पायरेनोइड के चारों तरफ स्टार्च सीथ पाई जाती है। और इनके अंदर फ्लेजिला, मोटाइल सेल्स है इक्वल फ्लेजिला, दो से चार फ्लेजिला इनमें पाए जा सकते हैं, जो सेल्स या जो मेंबर मोटाइल हो। रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि आइसोगेमस टाइप का होता है। आइसोगेमस भी टू एडवांस उगेमस टाइप का हो सकता है। इनके एग्जाम्पल क्लोमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, क्लोरेला आपके मेन सिलेबस में है। इसके बाद दूसरा है जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी को येलो ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। अकरेंस इनकी जो है मोस्ट फॉर्म्स आर फ्रेश वाटर, मोस्टली ये भी फ्रेश वाटर में पाई जाती है, कुछ मेराइन वाटर में पाई जा सकती है। इनमें पिगमेंट जेंथोफिल्स होता है। रिजर्व फूड ऑयल के रूप में होता है। स्ट्रक्चर एक कोशिकीय मोटाइल टू सिंपल फिलामेंट और फिलामेंटस सेल्स होती है। ये गोल नहीं होती, फिलामेंटस होती। सेल वॉल रिच इन पैक्टिक कंपाउंड्स, इनके अंदर जो सेल वॉल है वो पैक्टिक कंपाउंड से बनी होती है। और टू इक्वल पीसेस ओवरलैपिंग एट देयर एजेस। मोटाइल सेल्स हैव टू वेरी अनइक्वल अनइक्वल फ्लेजिला। इसमें पायरेनोइड्स अब्सेंट होता है। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रेयर एंड ऑलवेज आइसोगेमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता, और यदि पाया जाता है तो आइसोगेमस टाइप का होता है। इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया, आपके सिलेबस में है वाउचेरिया। थर्ड है क्राइसोफाइसी। इसकी अकरेंस मोस्टली कोल्ड फ्रेश वाटर में ये पाई जाती है, लेकिन कुछ है ये मेराइन वाटर में भी पाई जाती है। इनके अंदर पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर्स आर ब्राउन और ऑरेंज कलर्ड। फाइको
साइथ्रिन सर्व्स एज चीफ एसेसरी पिगमेंट्स। इसके अंदर साइकोसाइथ्रिन भी पाया जाता है। रिजर्व फूड फेट और ल्यूकोसिन के रूप में पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर एक कोशी के होते हैं, लेकिन इस ये एल्गी है वो ब्रांच्ड फिलामेंटस टाइप की होती है। फ्लेजिला अनइक्वल होते हैं और सेल्स जो है वो एक और दो, सेल्स के अंदर एक या दो क्रोमेटोफोर्स पाए जा सकते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन आइसोगेमस टाइप का होता है। क्राइसोफाइसी का एग्जाम्पल है क्रोम्यूलाइना, क्रोम्यूलाइना इसका एग्जाम्पल है। बेसिलेरियोफाइसी जिनको डाइटम्स कहा जाता है, डाइटम्स एल्गी होता है। इससे पहले आपको नहीं पता होगा, डाइटम्स जूलॉजी में नहीं पढ़ते, यानी कि ये जी एनिमल नहीं होता, एल्गी होती है। इसकी अकरेंस फ्रेश वाटर में होती है मोस्टली। इसके अलावा ये सी सॉयल एंड टेरिस्ट्रियल हैबिटेट्स में भी पाई जाती है। पिगमेंट्स इसमें क्रोमेटोफोर्स आर येलो और गोल्डन ब्राउन। नेचर ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स इज नॉट वेरी डिफाइनेड। इसके अंदर पिगमेंट्स का अभी तक किसी भी तरह से पाया नहीं गया है। रिजर्व फूड इसमें फैट और वोल्यूटिन पाया जाता है। स्ट्रक्चर इसकी ऑल द मेंबर आर एक यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। इसके सभी जो मेंबर है वो एक कोशिकीय होते हैं। सेल वॉल इज पार्टली कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड पार्टली ऑफ पैक्टिक सबस्टेंस। इट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस एंड ईच हैज टू और मोर पीसेस। सेल वॉल और रिचली ऑर्नामेंटल पाई जाती है। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पेशल टाइप का, अकरिंग बाय फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ऑर्डिनरी इंडिविजुअल। इसमें फ्यूजन टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका पिन्नुलेरिया। आगे वाली क्लास है वो क्रिप्टोफाइसी। अकरेंस इसमें मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में पाया जाता है। इसमें पिगमेंट क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स आर यूजुअली पेराइटल। रिजर्व फूड सॉलिड कार्बोहाइड्रेट्स और इन सम केसेस स्टार्च। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड बाय मोटाइल सेल्स एंड मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म आर कोक्कोइड। फ्लेजिला आर स्लाइटली अनइक्वल। इसमें फ्लेजिला अनइक्वल होता है। रिप्रोडक्शन आइसोगेमस इन द रिपोर्टेड क्लास केसेस। एग्जाम्पल इसका क्रोमोनास। ये जो एल्गी होती है ये एडवांस नहीं होती। अविकसित एक कोशी के सेवालों से बनी हुई एल्गी होती है। उसके बाद में क्लास है डायनोफाइसी। ये जो डायनोफाइसी है सी वाटर प्लैंकटॉन्स होते हैं। एफ्यू में भी फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते, यानी आपने प्लैंकटॉन का नाम सुना होगा। सभी प्लैंकटॉन्स डायनोफाइसी के अंदर आते हैं। तो प्लैंकटॉन्स एल्गी होते हैं, एनिमल नहीं होते। पिगमेंट्स इसमें रिजर्व फूड इसमें स्टार्च और ऑयल होता है। और पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर एंड डार्क येलो ब्राउन इस तरह के पिगमेंट्स होते हैं। स्ट्रक्चर इसमें प्लांट्स जो है सभी एकोशिकीय और ब्रांच्ड फिलामेंटस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगेमस टाइप का होता है, बहुत रेयर होता है या इसमें पाया ही नहीं जाता। एग्जाम्पल इसका डायनोफ्लेजिलेट और सीरेटियम। सात नंबर जो क्लास है वो क्रोमेनेडिनी। इसकी अकरेंस है वो फ्रेश वाटर जल में पाया जाता है। ये फ्रेश वाटर जल में इसमें क्रोमेटोफोर्स के कारण ये ब्राइट ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। और इसमें जेंथोफिल भी पाया जाता है। रिजर्व फूड इसमें ऑयल के रूप में होता है।
प्लांट्स आर मोटाइल होते हैं और टू ऑलमोस्ट इक्वल फ्लेजिला, इसके अंदर इक्वल टाइप की फ्लेजिला पाई जाती है। आगे है यूग्लिनेनी या यूग्लिनोइडी। यूग्लिना का नाम सुना होगा आपने, यूग्लिना इसी के अंदर आता है। यूग्लिना भी एक तरह से आप सोच रहे हो एनिमल नहीं होता, ये भी एल्गी होता है। ये सिर्फ फ्रेश वाटर जल में पाए जाते हैं। इसके अंदर पिगमेंट्स क्रोमेटोफोर्स होते हैं। क्रोमेटोफोर्स आर प्योर ग्रीन। ईच सेल्स हैज सेवरल क्रोमेटो, इसमें खूब सारे क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। रिजर्व फूड पॉलीसेकेराइड्स और पैरामाइलोन टाइप का होता है। स्ट्रक्चर मोटाइल फ्लेजिलेट्स इसमें पाए जाते हैं। मोटाइल होता है ये, फ्लेजिला में भी वन और टू राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ केनाल लाइक इन्वेजिनेशन एट द फ्रंट एंड। कॉम्प्लेक्स वेक्यूलर सिस्टम एंड अ लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इसमें फ्लेजिला एक और दो हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं पाया जाता, और यदि पाया जाता है तो आइसोगेमस टाइप का होता है यूग्लिना। उसके बाद में ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी एडवांस टाइप की एल्गी होती है। इससे पहले जो हमने पढ़ी, ये वाली एल्गी एक कोशी के सवालों से बनी होती है और एडवांस नहीं होती है। फियोफाइसी, ये मोस्टली मेराइन जल में पाई जाती है। इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स पाए जाते हैं। रिजर्व फूड मैनिटोल और लेमिनरिन टाइप का होता है। स्ट्रक्चर द प्लांट्स में भी सिंपल फिलामेंटस और पेरेनकाइमेटस टाइप का होते हैं। कुछ इसमें कुछ एल्गी है वो बहुत बड़ी साइज की होती है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। आइसोगेमस और एनआइसोगेमस और उगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जा सकता है। तीन तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगेमस, उगेमस और एनआइसोगेमस। मोटाइल गेमिट्स हैव टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, वेरी टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस और सार्गेसम, ये एडवांस टाइप की एल्गी होती है। रोडोफाइसी, इसको लाल सेवाल भी कहते हैं, ये भी एडवांस टाइप की एल्गी होती है। इसमें भी बहुकोशिकीय सेवाल होती है। फियोफाइसी जो है वो भी बहुकोशिकीय सेवाल होती है। रोडोफाइसी के मेंबर कुछ फ्रेश वाटर में और कुछ इसमें, मोस्टली ये भी मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। इसमें जो पिगमेंट है वो क्रोमेटोफोर होते हैं और फाइकोसाइनिन और क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल डी, फाइकोइरिथ्रिन, कैरोटीन्स, ये इसमें मेन पिगमेंट्स होते हैं। इसका स्पेशल कैरेक्टर, इसमें फ्लोरिडिन स्टार्च पाया जाता है। इसके स्ट्रक्चर सिंपल फिलामेंटस टाइप से होती है। कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है इसके स्ट्रक्चर में। मोटाइल स्ट्रक्चर आर्ट, इसमें मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एडवांस उगेमस टाइप, इसमें उगेमस टाइप का एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। द मेल ऑर्गन प्रोड्यूस नॉन मोटाइल गैमेट्स एंड द फीमेल ऑर्गन्स हैज अ लॉन्ग रिसेप्टिव नेक। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। इसका एग्जाम्पल बैट्रिकोस्पर्मम पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया आपके सिलेबस में है। 11 नंबर क्लास मिक्सोफाइसी, इसको साइनोफाइसी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंदर आती है। ये मोस्टली समुद्र के अंदर पाई जाती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है। इसमें पिगमेंट क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स, जेंथोफिल्स एंड फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन होते हैं। द रेशियो ऑफ लास्ट टू पिगमेंट्स एग्जिब्स कलर वेरिएशन, कॉमनली ब्लू ग्रीन। रिजर्व फूड इसमें शुगर एंड ग्लाइकोजन पाया जाता है। स्ट्रक्चर इसके सिंपल टाइप की होती है और सम ऑफ द फिलामेंटस, कुछ इसमें फिलामेंटस टाइप की सेल्स ब्रांचिंग दिखाई देती है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बीइंग डिफ्यूज्ड थ्रू आउट द पेरिफेरल पोजीशन, नो मोटाइल स्टेज रिप्रोडक्शन, देयर इज नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। इसका एग्जाम्पल है ओसिलेटोरिया और नोस्टोक। तो
तो ये 11 टाइप की एल्गी, आप इनको इनके नाम याद रखिए और इनके जो कैरेक्टर है उनको याद करिए आज इस वीडियो को सुन के। इसके अंदर जो एडवांस टाइप की एल्गी, जिससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ये एडवांस टाइप की एल्गी होती है। इसके अलावा और जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर, जिनमें सेल्स पाई जाती है, वो एडवांस नहीं होती है। आई होप यू लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस वीडियो, यू केयरफुली दिस वीडियो एंड इन दिस कोरोना टाइम यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।